हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस Q&A वीडियो के लिए। बहुत दिन के बाद एक Q&A वीडियो में लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों से बातें कर पाता हूँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। तो इसीलिए इस एपिसोड के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और आज मैं थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि अभी मुझे निकलना पड़ेगा। ये वीडियो शूट करूँगा, एडिट करूँगा, उसके बाद ही मुझे निकलना पड़ेगा। ये जो स्टूडियो है ये विलेज में है, बहुत जल्द हम लोग कलकत्ता में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पैकिंग वगैरह भी करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और यहाँ से शिफ्ट करने का बहुत सारे वजह है, एक दिन कभी मैं बताऊँगा। मेरे स्टूडियो में कोई भी डिलीवरी वगैरह नहीं आता है। इस स्टूडियो से 2 किलोमीटर जाना पड़ता है किसी भी डिलीवरी लेने के लिए। आप इतने सारे स्मार्टफोन का जो रिव्यू वगैरह या अनबॉक्सिंग वगैरह देखते हो, सारे के सारे जो डिलीवरी है वो स्टूडियो में नहीं आता है, उसको 2 किलोमीटर आगे जाके लेना पड़ता है। और सिर्फ 2 किलोमीटर आगे जाना नहीं, एक नदी है उसको पार करना पड़ता है, उसके बाद डिलीवरी लेकर फिर से नदी को पार करके यहाँ पे स्टूडियो में आना पड़ता है। तो बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है और भी बहुत सारे दिक्कत है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कितना स्ट्रगल मैं किया हूं, तो सबके बारे में बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे काम देखकर सब्सक्राइब करो या मुझसे प्यार करो या जो भी करना है करो, लेकिन मेरे स्ट्रगल मैं बताऊंगा कभी। छोड़ो, आज कमेंट लेते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। ये स्टूडियो टूर कलकत्ता का जो स्टूडियो उसका टूर बहुत जल्द सारे के सारे मैं लेकर आऊंगा, तो थोड़ा रुकिए। 10-12 दिन के अंदर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा बिजी हूँ। और ये जो मैं कमेंट यहाँ पे पढ़ूंगा या बोलूँगा, मैं डिस्प्ले में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी में मुझे एडिट वगैरह करके निकालना है, तो समझ रहे हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना इस वीडियो में। सबसे पहला जो सवाल है हार्डी के तरफ से, यार किसी का नेम अगर मैं गलती से ले लूं तो यार माफ कर देना, बहुत सारे लोगों का नेम है तो गलती से अगर ले लूं तो यार भाई समझ के माफ कर देना। उन्होंने पूछा है Mi 11 Lite इज गुड फोन टू बाई और बैटरी बैकअप एंड स्नैपड्रैगन 732 ऑप्टिमाइजेशन। आई मेनली वांट टू बाई फॉर डिजाइन बट ऑल्सो वन गुड परफॉर्मेंस फॉर कैजुअल BGMI प्ले। ले सकते हो, अच्छा खासा फोन है, कोई भी तकलीफ वगैरह नहीं है। मी के तरफ से या रेडमी के तरफ से जबरदस्त फोन है, उसके पास देख सकते हो। ईशान दास पूछता है व्हिच फोन कैमरा क्वालिटी इज बेटर, Realme Narzo 30 और Realme 8। ऑब्वियसली Realme 8 का बेटर है, वो 14,000 रुपीज़ में मिलता है और ये 12,000 में मिलता है, तो अगर आप 14,000 रुपीज़ पे कर सकते हो तो Realme 8 खरीद सकते हो, ओवरऑल अच्छा कॉम्बो है। कासिफ गेमिंग YT पूछता है क्वेश्चन नंबर 1, Poco M3 वर्सेस Poco M2 कौन सा बेस्ट है? ऑब्वियसली Poco M3 बेस्ट है क्योंकि वो सक्सेस आ रहे हैं, ऑब्वियसली Poco M3 बेस्ट है। प्लीज टेक माई क्वेश्चन, ऑब्वियसली टेक कर लिया। गौतम जी ने पूछा है शेयर, यार शेयर मत बोलो, शेयर रिश्ता को दूर में लेकर चला जाता है, भाई बोलो नजदीक आ जाएगा, तो शेयर मत बोला करो। उन्होंने पूछा है टेक्नो पोवर 2 का अनबॉक्सिंग कब करोगे? बहुत जल्द करेंगे, हम लोग अमेजोन के ऊपर ऑर्डर दे दिया हूँ, लेकिन एक चीज है जो डिलीवरी डेट है वो 10-12 दिन डिले हो गया है, तो इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ, वरना अभी तक अनबॉक्सिंग हो जाता। पोवर 2 वर्सेस Narzo 30 कौन सा लूँ? ऑलराउंडर प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आने दो उसके बाद ही बता पाऊंगा क्योंकि पोवर 2 अभी तक मैं यूज नहीं किया हूँ और किसी भी डिसीजन लेने से पहले खुद यूज करना जरूरी है, तो फोन आने दो उसके बाद ही बताऊंगा। हर्षराज भरतवाज पूछता है आप सब फोन खुद से खरीद कर रिव्यू करना कैसे मैनेज कर लेते हो? करना पड़ता है, क्या करें, हम लोगों को ब्रांड फोन नहीं भेजता है, तो जो भी फोन मैं खरीदता हूँ अपने पैसों से ही खरीदता हूँ। क्या है ना, 4-5 फोन एक साथ मैंने खरीद लिया, उसके बाद अगर पैसा कमियां पड़ गया तो ये जो 4-5 फोन है उसको मतलब सेल करके उसी पैसों से फिर से दूसरा फोन मुझे खरीदना पड़ता है, तो ऐसे ही हमारा जिंदगी आगे चलता जा रहा है। तो पता नहीं कब ब्रांड हम लोगों को फोन भेजेगा, अगर भेजता भी है तो हमेशा मैं ऑनेस्ट ही रहूंगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। सूरज भाई ने पूछा है रियलमी Narzo 4G 4GB 64GB वर्सेस गैलेक्सी F22 कौन सा अच्छा है नॉर्मल यूजेस के लिए? भाई यहाँ पे दो सेक्शन है, अगर आप लोग परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए मायने रखता है तो रियलमी के पास देख सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को डिस्प्ले अच्छा चाहिए, बैटरी अच्छा चाहिए, एक सिक्योरिटी अच्छा चाहिए, एक नामी ब्रांड चाहिए,
कैमरा अच्छा चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी A22 के पास देख सकते हो। परफॉर्मेंस एक अच्छा फोन रियलमी का फोन तो आप रियलमी नार्जो 30। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों का मैं यहाँ पे दूर कर दिया हूँ। नाइमिस पूछता है, प्लीज टेल मी बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10K एंड माइक्रोमैक्स इन 2B और टेक्नोपोवा 2 अनबॉक्सिंग प्लीज। बहुत जल्द टेक्नोपोवा का मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, लेकिन माइक्रोमैक्स मुझे भेजने वाला था ये फोन, अभी तक भेजा नहीं, वरना मैं खरीद के रिव्यू वगैरह कर लेता, तो इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन टेक्नोपोवा बहुत जल्द अनबॉक्सिंग करूंगा। और 10,000 रुपीज के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन मैं कहूंगा पोको M2 है, पोको M3 है, वो सारे स्मार्टफोन के पास देख सकते हो, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। अंकित वर्मा पूछता है, रियलमी 8 4G का प्राइस 14,000 है, रेडमी नोट 10 का प्राइस 13,500 रुपीज है, तो कौन सा बाय करूं? रियलमी 8 4G बाय कर लीजिए, वो काफी अच्छा फोन है। अबुजर सुतार पूछता है, रियलमी नार्जो 30 लेना चाहिए गेमिंग के लिए? ऑब्वियसली लेना चाहिए, अच्छा फोन है, मैं गेम वगैरह खेल के देख चुका हूँ, हमारे इस चैनल में डिटेल रिव्यू भी है, तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो, वो वीडियो जल्दी जल्दी देख लो। साहिल गेमर पूछता है, आपका सबसे पहला एंड्रॉयड फोन कौन सा है? मेरा सबसे पहला एंड्रॉयड फोन है इंटेक्स के तरफ से एक फोन आया था, मॉडल नंबर पता नहीं, वो पहला फोन था। मैं जब 12th स्टैंडर्ड पास किया उसके बाद ही वो फोन मुझे पापा ने दिलाया था, तो काफी अच्छा चल रहा था उस टाइम। उसके बाद तो मैंने रेडमी Y2 खरीदा था, वो भी अच्छा खासा चला, तो ऐसा स्मार्टफोन मैं खरीदा था नहीं, पापा मुझे दिया था। 2 नंबर क्वेश्चन, आपका शादी हो गया क्या? यार क्या बात कर रहे हो। 3 नंबर क्वेश्चन, आप अभी कौन से फोन यूज कर रहे हो? फिलहाल मेरे पास कोई पर्सनल फोन नहीं है, सच में दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ ओप्पो रेनो 6 5G में, और मेरे पास पड़ा है OnePlus नोट 2 5G, तो इन दोनों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को पिक करके मैं यूज करना शुरू कर दूंगा। अगर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G लॉन्च करता है तो मैं उस फोन से स्विच करूंगा, क्योंकि वो फोन मुझे काफी अच्छा लगता है। सैमसंग का फोन मिड रेंज, अपर मिड रेंज के अंदर, मतलब 30,000 के ऊपर के फोन में सैमसंग अच्छा सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए मैं उस फोन में स्विच करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर इंडिया में लॉन्च करता है तो। फिलहाल मेरे पास ये 2 फोन है, और ये 2 फोन में से किसी भी एक फोन को मैं यूज करूंगा कुछ टाइम के लिए, अभी मेरा कोई पर्सनल फोन नहीं है। 4th सवाल है, क्या माइक्रोमैक्स इन 2B का गेमिंग के लिए अच्छा होगा? गेमिंग के लिए अच्छा ठीक ठाक हो सकता है, आप खरीद सकते हो, 9,000 का प्राइस है। मैं कहूंगा गेमिंग के लिए और भी बहुत सारे बेटर फोन है उसके पास देख सकते हो, लेकिन अगर आप लोग इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस फोन के पास देख सकते हो, वरना मैं कहूंगा गेमिंग के लिए अच्छा ऑप्टिमाइज के लिए आप रियलमी रेडमी के पास देख सकते हो, इस प्राइस में और भी अच्छा अच्छा फोन है रियलमी रेडमी की तरफ से। टाइटेनियम आर्मी, यार ये कैसा नाम हुआ, अच्छा नाम रखो, आपके खुद का नाम रखो। उन्होंने पूछा है शेयर, यार मैं बहुत बार बोल चुका हूँ शेयर मत बोलो, भाई वगैरह बोलो, क्योंकि शेयर बहुत दूर कर देता है। और उन्होंने पूछा है, हर बार तो ये क्वेश्चन पूछता हूँ बट आप जवाब ही नहीं देते हो, अभी तो पिक कर लिया ना, बहुत सारे कमेंट आता है दोस्तों, सच में बहुत सारे कमेंट आता है, मैं कौन सा पिक करूँ कौन सा पिक ना करूँ, अभी तो मैं इंस्टाग्राम से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया हूँ, ना ही तो ट्विटर से उठाया हूँ, सारे के सारे मैं कल कम्युनिटी पोस्ट डाला था वहाँ से ही सारे के सारे मैं कमेंट पिक कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के साथ मैं थोड़ा एंगेज और भी ज़्यादा करके कर सकूँ। अगले और एक Q&A वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे इंस्टाग्राम में जो सारे भाई लोग मुझे फॉलो करता है तो उन लोगों का सवाल पिक करूँगा, तो इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ फॉलो कर लो। तो उन्होंने पूछा है, बेस्ट मोबाइल अंडर 11K। 11K में बहुत सारे फोन है, पोको M3 है, रियलमी नार्जो 30 12,000 में लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा सेल वगैरह में प्राइस कम हो जाता है, तो रियलमी नार्जो 30 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, वरना पोको M3 है काफ़ी अच्छा फ़ोन। और इस बार प्लीज़ रिप्लाई देना जरूर, क्या इन्फिनिक्स नोट 10 सही है अंडर 11,000 रुपीज में? हाँ, इन्फिनिक्स नोट 10 भी अच्छा है, तो उसके पास भी देख सकते हो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप इन्फिनिक्स नोट 10 में ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी काफी अच्छा फोन है। कार्टून टीवी पूछता है, भाई तुम्हारा शॉपिंग साइट कब आ रहा है? बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों, बहुत जल्द आ रहा है, मतलब ये जो स्टूडियो स्विच करने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो मेरा ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, तो वो कलकत्ता से ही ऑपरेट हो पाएगा, मतलब कलकत्ता बहुत बड़ा टाउन है तो वहाँ से ही ऑपरेट हो पाएगा, गांव से ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं स्विच कर रहा हूँ या शिफ्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ पैकिंग करके शिफ्ट करना पड़ता है, और बैकग्राउंड में बहुत सारे काम वगैरह भी होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आप मान लो 20-25 दिन के अंदर रिलीज कर देंगे, बहुत
करीब है हम लोग। और उन्होंने पूछा है, और आपका क्या नाम होगा? प्लीज भाई मेरे क्वेश्चन ले लो, मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश कुमार, थैंक यू इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। मेरा शॉपिंग साइट का जो नेम होगा वो सस्पेंस है, बहुत जल्द लॉन्च इवेंट रखेंगे ना, वहां पे बताएंगे, तो थोड़ा रुकिए। परचेस आर्ट पूछता है, रियलमी C20 इज गुड फोन? मैं तो ना कहूंगा, क्योंकि मेरे पास पड़ा है, 2GB का रैम है और मैं यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। मैं जब कॉल वगैरह करता हूँ, उसको कॉल काट करने के बाद जब मैसेजेस में जाता हूँ, इतना ज़्यादा लैग होता है और जाने के लिए इतना टाइम लगाता है, क्या ही बताऊँ। मतलब डे टू लाइफ यूज़ भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो कभी भी इस फ़ोन को मत खरीदना, बहुत ज़्यादा लैग होता है। 2GB का रैम दिया है और क्यों लैगी है मैं फुल रिव्यू में भी बताया हूँ, इस फ़ोन को मत खरीदना, इस प्राइस में बहुत सारे फ़ोन है। नजमुल आलम पूछता है, भाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। भाई मुझे ये पूछना था, विच इज़ बेस्ट फॉर गेमिंग, नोट 2 वर्सेस पोको F3GT? भाई प्लीज़ मेरे क्वेश्चन ले लीजिए, आप कभी मेरे क्वेश्चन नहीं लेते हो। आई एम बिग फैन फ्रॉम कोलकाता, अरे यार थैंक यू। और अभी तो ले लिया ना, और मैं अभी तो कोलकाता जा रहा हूँ बहुत जल्द, तो मुलाकात करेंगे। और गेमिंग के लिए पोको F3GT बेस्ट है, गेमिंग के लिए कोई सवाल ही नहीं है, पोको F3GT सबसे बढ़िया है। मेरे पास नोट 2 पड़ा है, नोट 2 भी अच्छा है, लेकिन गेमिंग के लिए इससे अच्छा पोको F3GT है। अगर दोनों फ़ोन को कंपेयर करोगे साइड बाई साइड, तो मेरे गेमिंग चैनल में दोनों ही फ़ोन का गेमिंग रिव्यू है। पोको F3GT मेरे पास था, अभी सुबह ही मेरे एक दोस्त लेकर गया है टेस्ट करने के लिए, मैंने उसको दिया हूँ, अच्छी तरीके से टेस्ट करके वो मुझे बताएगा। तो पोको F3GT गेमिंग के लिए अच्छा है, कोई सवाल नहीं है। सागर देवनाथ पूछता है, टेक्नो पोवर 2 की वीडियो लाओगे कब, और अंडर 12,000 बेस्ट गेमिंग फोन प्लीज आंसर, आपके पास है तो बताओ। 12,000 रुपीज के अंदर रियलमी नार्जो 30 बेस्ट है गेमिंग के लिए, और टेक्नो पोवर 2 का वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, ऑर्डर वगैरह दे दिया हूं मैं, जैसे कि बोला डिलीवरी इतना लेट हो रहा है, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। अनुराग रजक पूछता है, प्रो आपकी YT से अर्निंग होती है हर मंथ? थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कभी कभी तो होता भी नहीं है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तो ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन मेरे पास सेविंग नहीं होता है, जो कुछ आता है वो कुछ फ़ोन में इन्वेस्ट करने के लिए फिर से मैं लगा देता हूँ। मेरे पास सेविंग्स में कुछ भी नहीं है यूट्यूब की तरफ से, तो व्यूज़ वगैरह नहीं आता है। आप लोग सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, तब भी तो हम लोग ग्रो करेंगे, एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे ना, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। दोस्तों ये था Q&A वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस स्टूडियो से ये लास्ट Q&A वीडियो है। अगला जो Q&A वीडियो आएगा वो कलकत्ता स्टूडियो से आएगा, और हम लोग आउटडोर शूट करेंगे वहाँ पे, एक क्वालिटी के साथ साथ अच्छा Q&A वीडियो भी ले आने का कोशिश करेंगे हम लोग एक साथ मिलकर, तो सपोर्ट दिखाना, साथ में बने रहना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, जब तक Q&A वीडियो नहीं आता है तब तक मचाते रहो।